मर्द के लिए लाल, पीला, नीला इमामा बांधना जायज है भाई, जिस तरह का इमामा बांधना चाहे बांध सकते हैं, बशर्ते के आदमी अजीब सा ना लगे। वो एक हमारे दोस्त थे, उनको टोपियाँ, खूबसूरत खूबसूरत टोपियाँ पहनने का बहुत शौक था, तो बड़ी चमकीली भड़कीली शीशे लगी हुई टोपियाँ ला ला के पहनते थे वो। तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था, यार ये क्या पहना हुआ है। तो कहते क्या ये टोपी अच्छी नहीं है, इतनी खूबसूरत इतनी महंगी टोपी है। मैंने कहा टोपी के लिए अच्छा होना काफ़ी नहीं है, टोपी पहन के बंदा अच्छा लगे ये ज़रूरी है। लोग टोपी के हुसन देख रहे होते हैं कितनी खूबसूरत, ये नहीं देखते कि भाई ये जब आप अपने सर पे रखोगे तो टोपी तो अच्छी लगेगी मगर इसमें आप अच्छे। देखो लड़कियों के दुपट्टे भड़कीले चमकीले कितने अच्छे होते हैं, अब इतना खूबसूरत दुपट्टा, उस पर चमक पट्टियाँ लगी हुई हैं, बहुत खूबसूरत। आपने कहा इतना खूबसूरत है तो आप अपने अपने ऊपर रख लिया, तो भाई वो दुपट्टा फिर भी अच्छा लगेगा जो भी देखेगा वह कितना खूबसूरत दुपट्टा, मगर बोलेगा आप इस दुपट्टे में अच्छे नहीं लग रहे। तो पगड़ी में भी जितनी भी खूबसूरत भड़कीली चमकीली हो, ये देखो कि ये आप पे सूट भी कर रही है कि नहीं कर रही। तो रंगीन अजीब काली पीली नीली कलर की, काली तो फिर भी अच्छी है वो तो पहनना साबित भी है, तो इस तरह गहरे कलर की जो कपड़े भी मर्दों पे अच्छे नहीं लगते, क्या ख्याल है। मैं एक स्टूडियो में जाता था तो उन्होंने जो बैकग्राउंड में जो दीवार थी ना वो उस पर नीले पीले कलर लगा दिए ना, ताकि वो बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। मैं दरस कुरान दे रहा हूँ और पीछे बैकग्राउंड नीले पीले। तो एक साहब का मेरे पास मैसेज आया, मुफ्ती साहब ये ऐसा लगता है आपने अपने पीछे जो है ना गोले गंडे की दुकान खोली हुई है। क्या लगता है आपने अपने गोले गंडे की? तो मैंने जाके दीवार देखी तो मुझे ऐसा ही लगा। मैंने उनसे बोला भाई इस गोले गंडे की दुकान को यहाँ से क्या करो। तो उसने कहा इतना पैसा मैंने खर्च किया नीले पीले। मैंने कहा ये दीवार तो अच्छी लग रही है मगर इसके सामने बैठा हुआ मैं अच्छा नहीं लग रहा। तो पगड़ी में, लिबास में, हर चीज़ में सिर्फ उसका हुसन नहीं देखना चाहिए, ये देखना चाहिए आप भी इसमें अच्छे लगेंगे। कि जैसे एक लतीवा सुना दूँ बस आखिरी, फिर उसके बाद आप जाएँ छुट्टी है। वो एक आदमी ने अपनी बीवी से कहा, वो उसको बीवी अच्छी नहीं लगती थी, तो एक दिन बीवी ने खूब मेकअप किया, बहुत डिस्टेंपर के डब्बे खाली किए और बड़ी खूबसूरत साड़ी पहनी, बड़ी खूबसूरत चूड़ियाँ और बालियाँ और बहुत लशपश बन के आ गई। तो मियाँ ने कहा भाई क्या खूबसूरत चूड़ियाँ हैं भाई, वाह वाह वाह। बीवी बड़ी खुश कि आज तो मियाँ को मैं क्या हो गई, पसंद आ गई। कह रहे वाह क्या खूबसूरत बुंदे हैं बेगम। वो कह रही जी बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। कह रहे बेगम काजल भी बड़ा लशपश। कह रही जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। बेगम आज पाजेब भी बड़ी खूबसूरत है, थैंक यू। आज तो साड़ी भी बड़ी खूबसूरत है जी, थैंक यू जी। अच्छी फिर भी नहीं लग रही। कहते मगर ये सारी चीज़ें अच्छी पहनी हुई है मगर तू अच्छी। तो इसलिए कहते हैं ना फैशन हर आदमी पे, तो इसलिए तो ब्यूटी पार्लर बने हैं कि हर डिस्टेंपर हर एक के लिए नहीं होता। समझ रहे हो? अल्लाह ताला समझने की अमल के बाप बहुत हो गया यार। सुभानक अल्लाहु व बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। इलाही तेरी खातिर हो, इलाही तेरी खातिर हो।